पहले चरण में 4 सीटों पर हुई वोटिंग को लेकर महागठबंधन ने बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन 4 सीटों पर महागठबंधन का जीतना लगभग तय है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। बिहार में कल पहले चरण में 4 सीटों पर हुई वोटिंग को लेकर महागठबंधन का बड़ा दावा। तेजस्वी यादव का कहना यह है कि 4 सीटों पर महागठबंधन जीतने जा रहा है। हम लोग 4 सीट जो है जीत रहे हैं। ये मामूली चुनाव नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है अब तक के देश का। और मुझे लगता है कि महागठबंधन की जिस प्रकार से शुरुआत हुई है फर्स्ट फेज में, आगे के जितने फेजेज आएंगे धीरे धीरे, उसमें हम लोग जो है बढ़ चढ़ करके और भी बढ़ोतरी हम लोगों की होगी। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। चारू, मायावती ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, सोनिया गांधी 2004 की याद दिला रही हैं, तेजस्वी यादव भी अब ये कह रहे हैं कि उनका जीतना तय है पहले चरण के मतदान के बाद ही। देखिए, ये ना महागठबंधन के लिए बहुत दुख की बात है कि वो जमीनी हकीकत से थोड़े डिस्कनेक्टेड से लग रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि 1+2=3 की बातें करके ये चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव कोई गणित नहीं है, चुनाव इमोशंस पे चलते हैं, चुनाव डिलीवरेंस पे चलते हैं, चुनाव एक नेता के उसके कार्यकर्ताओं के कनेक्ट पे चलते हैं, जो महागठबंधन में कम्प्लीटली लैकिंग है। जमीनी असलियत ये है कि फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग के बाद हमने देख लिया, एक पार्टी का वर्कर दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगता ही नहीं है। बड़े बड़े नेता ऊपर बैठ के कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, कितने भी बड़े बड़े बयान दे दें, असली में वोट ट्रांसफर नाम की कोई चीज नहीं है। वोट वहीं जाता है जहां जनता का विश्वास होता है। ये महागठबंधन पहले फेज के बाद प्रूव हो चुका है एकदम फेल है। शांतनु, अभी तो सिर्फ पहले फेज की वोटिंग हुई है और कई बड़े विपक्ष के नेता आकर अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी उनका नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं डर भी। देखिए, ये एक चुनावी मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारा जो स्विंग वोटर होता है वो उसको वोट करता है जो उसे लगता है कि जीत रहा है। तो हर पार्टी कोशिश करती है पहले फेज दूसरे फेज जब तक चुनाव चलता होता है तो ऐसा बताए, ऐसा जाहिर करे, ऐसा लोगों को विश्वास दिलाए कि हम जीत रहे हैं, जिससे आगे वाले चुनाव में बहुत सारे वोट लोग सोचते हैं कि मैं अपना वोट क्यों वेस्ट करूं, जो जीत रहा है उसे दे दूं। तो ये मैसेजिंग चलती रहेगी, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ, इंटरनल पार्टी सर्वे जो हो, जो इंटरनली बात करें, वो किसी को जानकारी हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे मीडिया में आके कोई कह दे कि मैं जीत रहा हूं, कौन कहेगा कि मैं हार रहा हूं? आपको लगता है कोई भी पार्टी चाहे वो कितनी भी छोटी हो वो कहे कि मैं हार रही हूं आके? तो ये तो बहुत इस पर डिबेट करना भी जरूरी नहीं है, हर पार्टी आके कहेगी भी। लेकिन आपके जो 2004 और 2000 जो सोनिया गांधी का कमेंट था उसमें मुझे अगर आप आधा मिनट दें, 2004 में स्थिति बहुत अलग थी और लोगों ने कभी ये भी नहीं सोचा कि 2004 में भाजपा और कांग्रेस की सीटों में अंतर आपको पता है कितना था? 7 सीटों का फर्क था। भाजपा को 148 सीट मिली थी और कांग्रेस को 145 सीट मिली थी। वो और उनके साथ कौन था? उनके साथ लेफ्ट बहुत बड़ी दल की तरह जुड़ा था, उनके वायएसआर की बहुत सारी सीट थी। इस समय वायएसआर गायब है, इस समय लेफ्ट गायब है। बिना लेफ्ट और बिना वायएसआर के अगर कांग्रेस 70-80 भी छू जाए तो बहुत बड़ी बात है। और लेफ्ट तो आपको पता है वो बंगाल से तो गायब हो ही चुका है, केरला में भी सिमट रहा है। आशुतोष मिश्रा, कांग्रेस कैसे 2004 का इतिहास दोहराएगी? स्थिति में बहुत फर्क है। पहले तो जैसे जो मैंने पहले कहा, यहाँ पे 2004 का जो निशाना था वो यही था कि जो है याद दिला रहे थे कि उस वक्त भी नरेंद्र मोदी जो है हार का कारण थे और इस बार फिर नरेंद्र मोदी ही भाजपा के कृत्य ही जो है भाजपा के हार का कारण बनेंगे। उसकी वजह क्या है कि जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज वोटर को अपील कर रही है, तो अगर आप देखें, आप भी इतने सर्वे आते हैं, तो जो बेरोजगारी है, जो किसानों को दिक्कत है, ये चीजें हैं जिसपे जो है बात हो रही है। जो युवा है वो चाहता है कि उसको आगे क्या मिलेगा। तो हम लोग बातें स्टैटिस्टिक्स की करते रहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स तो जो खेल होता है वो इंग्लिश में कहा हुआ है, लाइज डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। और ये सरकार तो जो है स्टैटिस्टिक्स भी अपने हिसाब से चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे 2004 का कंपैरिजन इसलिए और जरूरी है कि उस समय भी ये भ्रमित करने के लिए एक नारा चला था कि इंडिया शाइनिंग,
तो जैसे वो अच्छे दिन का जो है गरीबी हटाता है ना, अच्छे दिन है सबको, उज्ज्वला में ये मिल गया, शौचालय बन गए वगैरह वगैरह, हटा रही है आपकी पार्टी। ये हर मैनिफेस्टो में एक ही बात करते हैं, थोड़ा सा उसको ट्वीट एंड ट्वीट करके टैगलाइन बदल देते हैं, रीब्रांडिंग कर देते हैं। गरीबी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, तो सारे अच्छे काम अभी 5 साल में जैसे होने लग गए हैं, ये कांग्रेस पार्टी से विपक्ष से लेके नहीं जा रहे। आशुतोष जी, आप गांधी ने जो आशुतोष जी प्रैक्टिकल बात बताइए ना, आप 60 साल से गरीबी हटा रहे हैं, बीजेपी 60 साल के बाद भी आप यही बात बोलते हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं हम गरीबी हटाएंगे, इसका नतीजा क्या है जमीन पर, ये बताइए। जब बात होती है कि चुनाव में क्या कैसे पता चलता है, जैसे अभी बताया कि हर पार्टी कहती है कि हम जीत रहे हैं, शायद अभी तक हमारी बात नहीं पहुंची, वो पहले अपनी पूरी बात करेंगे, वो तभी की बात करते हैं। तो जो है उसमें ये होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है हर बार जो है ये घुमा देते हैं। जी, आशुतोष मिश्रा की बातों पर मत जाइए, जो ग्राउंड से फीडबैक आता है आप उस पर जाइए, सारा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। ठीक है, गरीबी हटाने के बारे में बताइए, आप मुझे बताइए, अशोक साल से कितनी गरीबी हटा पाई थी आपकी पार्टी? ठीक है, वहाँ नहीं जा रही, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ, मुद्दों पर हम जाएंगे ही नहीं, अब मुद्दों को जितना गिनवाना था दोनों पार्टियां गिनवा चुकी हैं, अब तो जनता अपना जवाब दे, उन्होंने मान लिया कि मिनिमम इनकम। आशुतोष मिश्रा, लेकिन 2004 से 2019 तक का जो सफर है ना सर, वो बहुत सारे बदलाव के बाद सफर आया है, आप सिर्फ चौकीदार चोर है क्या कि कांग्रेस तो अपने मुद्दे जनता के बीच में नहीं ले जा सकती ना सर? नहीं, उसके अलावा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है पयोधी जी, इसीलिए वो एक ही मुद्दे पर रहते हैं। आपने ऐसा आपने है, आप ये देखिए अपना नामांकन तो दाखिल करने के बाद भी राहुल गांधी जी ने कैसा बच्चों वाला स्टेटमेंट दिया है, ऐसा बच्चों वाला स्टेटमेंट, सरासर झूठ। अरे कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगी, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी, जीतने हारने की बात तो बाद में करें आपके नेता, कहा था इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, झूठ के बुनियाद पर खड़े हैं, कोर्ट का ऑर्डर आंखों के सामने है और मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं, फिर अलग चली जाएगी सारी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सोनिया गांधी तो यूपी में रायबरेली में आकर ये कहती हैं कि 2004 का इतिहास दोहराने की बात वो करती हैं, याद दिलाती हैं, लेकिन मायावती तो 2017 के बाद की जो हताशा थी उसमें दोबारा से नजर आ रही है, तो पहले से क्या हार मान ली है फिर? पयोधी जी, जरा मुझे भी समय देने का कष्ट करिए सर, आप अभी आपको समय जी कह रही थी, विकास की बात कर रही थी, उसके बाद मैं आ जाऊंगा वहां पे। ये कह रही विकास की बात कर रही थी, देखिए इन्होंने 5 सालों में या पिछले 2.5 सालों में क्या कोई मेट्रो रेल चलाई है जो समाजवादी पार्टी ने चला दिया? क्या इन्होंने सड़क बनाई है? ये तो अभी तक बीजेपी ने फाइटर उतार दिया, नई ट्रेन चलने की आपको कोई गिनती नहीं दिखाई देती, चलती ट्रेनों में नए डब्बे जोड़ने की आपको गिनती नहीं दिखाई देती, ट्रैक का दोहरीकरण हुआ वो आपको दिखाई नहीं देता? आप बिजली की बात कर रहे हैं, आप बताओ, आपने फाउंडेशन तो डाली नहीं है, बात करते हैं बारी बारी बड़ी। ठीक ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की खेती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 4 यूनिटें लगाई थी, आप लोग विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं सर, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम है अशोक जी, मैं तो आप ही को कह रही हूँ, आप तो साथी तो बन गए हैं, आप साथी तो बन गए हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर फिर आपको भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा आगे चलिए। नैया में चर्चा ठीक है, इस चर्चा में इतना ही, समय इतना ही था मेरे पास अशोक जी, समय इतना ही था, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फॉर